Welcome back to this channel, Rise Up with Maths. My name is Rahim Sabnani, and in this video, we will learn about composite function in details. So let's get started. Yes, before we talk about composite function, let us first understand the relationship between continuity and differentiability. Okay, so this is as per the new syllabus of 12th standard. सपोज अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा. ऑलराइट, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूस रहेगा. बट अगर सपोज कोई फंक्शन कंटिन्यूस है सो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. ऑलराइट, इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ऑलराइट, अभी कॉन्टिन्यूटी ये 11th क्लास में है, बट सपोज अगर आपको नहीं पता है तो भी टेंशन मत लो, यहाँ पर उसका काम नहीं है. अपने को क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि प्रूफ दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, सो कोई भी एक फंक्शन रहेगा, अगर अपन उसको डिफरेंशिएट कर पाते, मतलब वो डिफरेंशिएबल है, तो अपन बोल सकते कि येस देयर फॉर इट इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस. ऑल राइट, अभी अपने को टोटल 5 एक्सरसाइज है. ठीक है, वी हैव गॉट टोटल 5 एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5. ओके, 1.1 इज अबाउट डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. ओके, सो अपन 1.1 से आज डील करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉम्पोजिट फंक्शन इज. ठीक है, अभी कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं. अभी कॉम्पोजिट फंक्शन को ना फंक्शन का फंक्शन या फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन ऐसा बोलते हैं. जैसे यहाँ पर देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर एक फंक्शन देकर है अपने को, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स. ठीक है, अभी ये फंक्शन को आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ना दो फंक्शन है, एक लॉग लॉग का एक फंक्शन है, मतलब लॉग एक्स एक फंक्शन है. ठीक है, और ई टू द पावर एक्स एक फंक्शन है, तो यहाँ पर फंक्शन का फंक्शन है. ओके, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को अपन कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं. ऑलराइट, फंक्शन का फंक्शन या फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन. तो अभी अपन इसको देखते हैं कि डिफरेंशिएट कैसा करते हैं इसको. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स को अपन एफ डैश एक्स लिख सकते हैं. ओके, या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पे अपन एफ डैश एक्स लिखे इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स. अभी इसको अपना एक्स सपोज करो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, 1/x, तो ये होएगा 1/x. अभी x क्या है यहाँ पर, e टू द पावर x, तो 1/e टू द पावर x. ऑलराइट, इनटू अभी यहाँ पर x नहीं है, e टू द पावर x है, तो अपने को e टू द पावर x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. ओके, सो द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, सो 1/e टू द पावर x एज इट इज. अभी e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता, e टू द पावर x ही होता. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x. अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. So final answer is 1. Okay, so this is how we differentiate composite function. Let us take one more example. Now we have y equals to tan of 2x square plus 5x. Okay, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो function, एक tan का एक function है और एक 2x square plus 5x का function है. मतलब एक tan x एक function है और एक ये function है. Alright? So function का function है तो composite function है. So let's differentiate it. Differentiating with respect to x, तो y का होएगा dy by dx, okay? As we are differentiating with respect to x, so dy by dx equals to tan x का derivative क्या होता, sec square x, alright? तो यहाँ पर होएगा sec square, यहाँ पर x क्या है, 2x square plus 5x, तो sec square 2x square plus 5x, अभी यहाँ पर x नहीं है, 2x square plus 5x है, तो इसका derivative लेंगे. Derivative of 2x square plus 5x. All right, ये वाला as it is. अभी 2x square का derivative क्या होएगा? ये x raised to power n के form में है, तो 2 सामने आएगा और यहाँ पे minus 1. So 2 सामने आएगा तो 2 into 2 is 4. So 4x raised to power 1. ठीक है, 1 नहीं लिखे तो भी चलता. So 4x plus 5x का derivative is 5x का derivative is 5. ठीक है, always remember 8x है, 8x का derivative is 8. 7x का डेरिवेटिव इज 7. ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर में 1 है ना, तो 1 सामने आएगा, सो 5 into 1 is 5, और यहाँ पे
वन माइनस वन होएगा, सो वन माइनस वन इज जीरो, एक्स रेस टू पावर जीरो इज वन, सो फाइनली ये वन आ जाएगा, ठीक है। सो इतना अपने को हर बार नहीं सोचना है, अपने को 5x दिखेगा तो उसका डेरिवेटिव 5 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एज दिए। ऑलराइट, नाउ दिस इज अवर आंसर, इसको आप सामने लिख लो और इसको आप बाद में लिख लो। ओके, नाउ लेट अस टेक सम मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। अभी तक यहाँ पे ने फंक्शन का फंक्शन देखे, राइट? अभी अपन फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन देखेंगे, उसको भी अपन कॉम्पोजिट फंक्शन ही बोलते हैं। सो वी हैव y इक्वल्स टू साइन टू द पावर 2/5 ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वी हैव गॉट टोटल थ्री फंक्शंस हियर। साइन रेस टू पावर कुछ तो भी है, मतलब एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में है, ठीक है। सो एक्स रेस टू पावर एन एक फंक्शन है, साइन ऑफ लॉग एक्स मतलब साइन एक्स एक फंक्शन है और लॉग एक्स एक फंक्शन है, सो वी हैव गॉट टोटल थ्री फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शन, लेट्स डिफरेंशिएट इट। dy by dx equals to dy by dx of first time आप ये पूरा as it is लिखो, okay? अभी ये x raise to power n के form में है, तो क्या होएगा? n raise to power sorry n x raise to power n minus 1, तो 2/5 सामने आएगा, sine of 2/5 minus 1, ठीक है। sine के साथ में है log x, तो इसको आप as it is रखो, sine के साथ में log x, alright? सो आपने x raise to power n का derivative की है। ओके, अभी क्या बचा? साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, सो लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, सो दिस वन रिमेन्स एज इट इज, खाली 2/5 माइनस 1 इज -3/5। ओके, अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता? कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स, बिकॉज यहाँ पर अपना एक्स है लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स। अभी अपन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स लेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, लॉग एक्स है, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ओके, सो दिस वन रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स अरेंज इट प्रॉपरली। 2 into ये सब मल्टीप्लीकेशन में, सो 2 into 1 इज 2, 5 into x इज 5x, और ये वाला फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट सच फंक्शंस। Let us take one more example. So here we have f of x equals to log of sec of e to the power x square. So properly देखो ये function को, यहाँ पे total 4 functions है। Let us count. Log के साथ में कुछ है, मतलब log x का एक function है, sec x का एक function है, e to the power x एक function है और x square एक function है। So total we have got 4 functions. Such functions are called composite functions. So let's differentiate it. f of x को आप f dash x लिख सकते हैं या d by dx of f of x। सबसे पहले आप लिखो d by dx of, ये पूरा as it is लिखो। सबसे पहले अपन log x का डेरिवेटिव लेंगे। log x का डेरिवेटिव इज 1/x। ओके, सो दिस विल बी 1/1 upon sec of e to the power x square, क्योंकि अपना x यहाँ पर ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न इज ऑफ सेक की, सेक सेक का डेरिवेटिव लो अभी। सो डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये वाला एज इट इज, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? सेक एक्स टैन एक्स, राइट? तो सेक ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू टैन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि अपना एक्स यहाँ पर ये है। ओके, अभी नेक्स्ट आप डेरिवेटिव लेंगे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का। ओके, अभी यहाँ पर देखो, ये वाला और ये वाला अपन कैंसिल कर देंगे, सेक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, सेक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो 1 into tan ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, सो tan ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अभी डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता। ओके, सो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अभी यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस वन रिमेन्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, ठीक है। पावर सामने आएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, सो 2x raise to power 1, विच कैन बी रिटन एज 2x। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, इज इट क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। नाउ 1.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव गॉट टोटल 6 क्वेश्चंस। ओके, सो
सिक्स सब क्वेश्चंस है, ये छह के छह अपन ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन होल रेस्ट पावर फाइव। ऑलराइट, तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज आपको इसको कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन वाई लिखेंगे या एफ ऑफ एक्स लिखो, ठीक है। यहाँ पर अपन वाई लिखेंगे। सो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव होल रेस्ट टू पावर फाइव। ओके, अभी ये फंक्शन को आप प्रॉपरली देखो, ये एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में है। ओके, एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में है। सो डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में है, तो एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। तो फाइव सामने आएगा ये वाला एज इट इज और फाइव माइनस वन। ओके, अभी यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव। ओके, ये एज इट इज फाइव माइनस वन इज फोर। ऑल राइट, अभी इसका डेरिवेटिव लो। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज थ्री एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में है। माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव इज टू, आपने ऑलरेडी डिस्कस किए, माइनस टू, और माइनस फाइव इज कॉन्स्टेंट, सो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, एग्जैक्टली एज पर द टेक्स्ट बुक। यस, इसको आप सामने लिख सकते हैं, इसको आप बाद में लिख सकते हैं। सो यू विल गेट द आंसर लाइक द टेक्स्ट बुक। नाउ लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू माइनस थ्री एक्स रेस टू पावर फोर बाई थ्री माइनस फाइव होल रेस टू पावर फाइव बाई टू। ओके, सो ये फर्स्ट वाले जैसा ही है, इसको आप वाई लो, वाई इक्वल्स टू दिस एज इट इज। अभी ये देखो फिर से एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में है, सो डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये पावर है वो सामने आएगा फाइव बाई टू, ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और ये फाइव बाई टू माइनस वन। ऑल राइट, अभी यहाँ पर एक्स नहीं है, ये फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ये एज इट इज। ओके, अभी फाइव बाई टू माइनस वन इज थ्री बाई टू, सो दिस पोर्शन इज एज इट इज। अभी अपने को इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो ये टू है, ये इसका कोएफिशिएंट है एक्स का, तो टू एज इट इज रहेगा। जो थ्री बाई टू है ये एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा थ्री बाई टू एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू माइनस वन। ओके, सेम यहाँ पर माइनस, ये थ्री कोएफिशिएंट है इसका, तो थ्री एज इट इज रहेगा, फोर बाई थ्री सामने आएगा, फोर बाई थ्री एक्स रेस टू पावर फोर बाई थ्री माइनस वन, और ये माइनस फाइव कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो। ऑलराइट, अभी यहाँ पर देखो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपने पास में बचेगा ये वाला सेम, यहाँ पे बचेगा थ्री एक्स रेज टू पावर वन बाई टू, थ्री बाई टू माइनस वन इज वन बाई टू, माइनस फोर एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री, फोर बाई थ्री माइनस वन इज वन बाई थ्री। ओके, अभी आपको पता रहेगा एक्स रेज टू पावर वन बाई टू को अपन स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं, और एक्स रेस टू पावर वन बाई थ्री को अपन क्यूब रूट एक्स लिख सकते हैं। ओके, सो विल डू द सेम, ये वाला एज इट इज, थ्री एक्स रेस टू पावर वन बाई टू को आप रूट एक्स लिखो, माइनस फोर एक्स रेस टू पावर वन बाई थ्री को आप क्यूब रूट एक्स लिखो। ओके, ये फाइव बाई टू, इसको आप सामने लिख लो, इसको आप बाद में लिख लो। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। ठीक है, सो ये देखो रूट में है, मतलब ये रूट एक्स के फॉर्म में है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, वन अपॉन टू रूट एक्स। ओके, सो लेट्स डिफरेंशिएट इट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, रूट एक्स के फॉर्म में है तो वन अपॉन टू रूट एक्स, सो वन अपॉन टू रूट एक्स क्या है अपना, ये पूरा, सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। ओके, अभी यहाँ पर एक्स नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। ओके, सो दिस वन रिमेन्स एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज टू एक्स। ओके, टू एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में है, तो टू सामने आएगा, इधर वन बचेगा,
सो 2x रेस्ट टू पावर 1, 1 नहीं लिखे तो भी चलता। तो 2x + 4x का डेरिवेटिव इज 4 - 7 इज कॉन्स्टेंट, सो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। ओके, अभी यहाँ पर ना आप 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2, ये वाला एज इट इज। अभी आप ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दो। ओके, नाउ मल्टीप्लाइड, सो x + 2 / √x² + 4x - 7, सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x √x² + √x² + 1। ओके, तो देखो ये अंडर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x के फॉर्म में है, सो स्क्वायर रूट ऑफ x इज का डेरिवेटिव इज 1/√x, सो डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy/dx इक्वल्स टू ये रूट ऑफ रूट x के फॉर्म में है, तो रूट x का डेरिवेटिव इज 1/√x, सो 1/2 ये पूरा रूट के अंदर जो है ना वो एज इट इज लिखो, 1/√x² + √x² + 1। ऑल राइट, अभी यहाँ पर x नहीं है, ये सब है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सो डेरिवेटिव ऑफ x² + √x² + 1। ऑल राइट, ये वाला एज इट इज। अभी इसका डेरिवेटिव लो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, ऑल राइट, प्लस ये फिर से रूट x के फॉर्म में है, तो रूट x का डेरिवेटिव इज 1/√x, सो 1/√x² + 1। ओके, अभी यहाँ पर अगेन यहाँ पे रूट x नहीं है, x² + 1 है, तो x² + 1 का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x² + 1। ओके, सो ये सब पूरा एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव इज 0, तो 2x आ जाएगा ये। अभी आप यहाँ पे 2 और ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कैंसिल करने के बाद में यहाँ पर x/√x² + 1 बचेगा, तो यहाँ पर ना आप √x² + 1 को LCM लो, तो यहाँ पे होएगा 2x/√x² + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, प्लस यहाँ पर x ही बचेगा। ओके, अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये यस, वन मोर थिंग, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x आप कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे बचेगा 2√x² + 1 + 1/2 ये 2 एज इट इज, ये वाला छोटा रूट पहले लिखो आप और फिर ये बाद में लिखो। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली द आंसर गिवन एट द बैक ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज 3/5 √(2x²-7x-5)^5। सबसे पहले अपन इसको y लिखेंगे, y इक्वल्स टू ये एज इट इज। ओके, अभी देखो अपने को पता है क्यूब रूट ऑफ 3 लिया, तो उसको अपन x^(1/3) लिखते है ना, तो यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ ये फंक्शन है और यहाँ पे पावर 5 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता 2x²-7x-5^5। यहाँ पे ऑलरेडी पावर 5 है, तो 5 और ये क्यूब रूट का 3 नीचे चले जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू मस्ट राइट इट। ऑल राइट, अभी ये 3/5 को आप ऐसा साथ में लिखो, 3/5, अभी ये ना नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर लेकर जाएंगे, तो पावर इसका माइनस हो जाएगा, तो 3/5 2x²-7x-5^(5/3)। ठीक है, अभी देखो ये x^(n) के फॉर्म में है। ओके, और ये इसका कोएफिशिएंट है, तो x^(n) के फॉर्म में वी नो द डेरिवेटिव ऑफ x^(n) एंड x^(n-1), सो नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का होएगा dy/dx इक्वल्स टू ये 3/5 इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है, दिस इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि इसके साथ में है स्टार्टिंग में, तो ये इसका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को आप एज इट इज लिखो। ये x^(n) के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा -5/3, ये एज इट इज, और -5/3 - 1। ऑलराइट, अभी यहाँ पर x नहीं है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx(2x²-7x-5), ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है।
अभी यहाँ पर देखो ये थ्री कैंसिल, ये फाइव कैंसिल, तो यहाँ पे खाली माइनस बचेगा, ये वाला फंक्शन एज इट इज, और -5/3 -1 इज -8/3। ऑल राइट, इसका अब अभी आप डेरिवेटिव लो, 2x² का डेरिवेटिव इज पावर सामने आएगा, तो 2 × 2 इज 4, 4x माइनस 7x का डेरिवेटिव इज 7 एंड -5 इज कॉन्स्टेंट, सो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। ऑल राइट, नाउ ये माइनस साइन एज इट इज रखो, ये 4x -7 यहाँ पर लिखो, इसका पावर ना नेगेटिव है, तो इसको अपन नीचे लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको आप फिर से नीचे लेकर जाओ। ओके, सो दिस इज अवर आंसर, 2x² -7x -5 रेज टू पावर 8/3। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स है, तो इसको आप केयरफुली देखो। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, √3x -5 -1/√3x -5 होल रेज टू पावर 5। ओके, तो सबसे पहले आप इसको y लो, y इक्वल्स टू दिस फंक्शन, अभी देखो ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है। ओके, सो x रेज टू पावर n इज n x रेज टू पावर n -1, सो डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy/dx इक्वल्स टू, ये पावर सामने आएगा, ये एज इट इज, और 5 -1 इज 4। ओके, अभी यहाँ पर x नहीं है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन का अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सो डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ ये वाला फंक्शन। ओके, अभी ये वाला एज इट इज, ठीक है, अभी डेरिवेटिव ऑफ √3x -5 क्या होगा, ये देखो √x के फॉर्म में है, तो √x का डेरिवेटिव इज 1/√x, तो 1/√3x -5, ठीक है, अभी यहाँ पर x नहीं है, 3x -5 है, तो 3x -5 का डेरिवेटिव इज 3x का डेरिवेटिव इज 3 -5 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो वो नहीं लिखे तो भी चलता। ओके, तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली पास में इसका डेरिवेटिव अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट माइनस, ठीक है, अभी ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैंने इधर एक्सप्लेन किया, तो इसको आप इधर देखो अच्छे से, ठीक है, ये क्या है, 1/√3x -5 है, 1/√3x -5, तो अपने को पता है रूट एक्स को अपन एक्स रेस टू पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको मैंने 1/3x -5 होल रेस टू पावर 1/2 लिखा, ठीक है, अभी इसको मेरे को ऊपर लेकर जाना है, तो ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो अभी ये है ना, उसके बदले अभी ये आ गया अपने पास में, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्म में है, तो ये पावर सामने आएगा, ये माइनस एज इट इज, तो -1/2 सामने आया, ठीक है, 3x -5, और ये -1/2 में से -1 करेंगे, तो -1/2 -1। ओके, तो ये x रेस टू पावर n के फॉर्म में था, बट यहाँ पर x नहीं है, 3x -5 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव इज 3 और -5 का डेरिवेटिव इज 0 बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, अभी ये वाला एज इट इज, ठीक है, अभी आप इसको प्रॉपरली देखो, यहाँ पर 3/2, और ठीक है ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर माइनस साइन है, और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे 3/2 और ये 3/2 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो 3/2 आप कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, 1/√3x -5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और इधर क्या बचेगा, 3x -5 होल रेस्ट टू पावर -1/2 -1 इज -3/2, इज इट क्लियर, ये 3/2 आपने कॉमन ले लिया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अभी अभी क्या करना है, ये 3/2 आपने जो लिए थे ना कॉमन, इसको ये 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 3 इज 15 और डिवाइड बाय 15/2। ओके, ये वाला एज इट इज, ये 1/√3x -5 प्लस, यहाँ पर देखो इसका पावर नेगेटिव है, तो इसको अपन फिर से नीचे लेकर जाएंगे, 1/3x -5 होल रेस्ट टू पावर 3/2। ओके, अभी ना इसको आप अच्छे से यहाँ पर देखो, राइट हैंड साइड पे मैं एक्सप्लेन करता, यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन रेस्ट टू पावर 3/2 है, एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 है, तो एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 को अपन एक्स रेस्ट टू पावर 1 × एक्स रेस्ट टू पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है एक्स रेस्ट टू पावर एन इंटू एक्स रेस्ट टू पावर एम इज एक्स रेस्ट टू पावर एन प्लस एम, 1 + 1/2 करेंगे तो आपको 3/2 आने वाला है, ठीक है, तो
तो ये एक्स एक्स रेस टू पावर वन को अपन एक्स लिख सकते हैं और एक्स रेस टू पावर वन बाई टू को अपन रूट एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो अभी ये जो है ना उसको अपन ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, तो सिमिलरली यहाँ पर जो है ना उसको अपने को ऐसे फॉर्म में लिखना है। तो ये पूरा एज इट इज, यहाँ पे मैं 3x-5 और रूट 3x-5 लिख सकता, ठीक है। आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं। और राइट, अभी ना आपको इधर एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे √3x-5 है, यहाँ पे 3x-5 √3x-5 है, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा अपना √3x-5 3x-5, ओके। तो यहाँ पे 3x-5 से मल्टीप्लाई करो, 3x-5 प्लस यहाँ पर वन ही रहेगा। और राइट, अभी ये वाला पूरा एज इट इज, 3x, ये -5 प्लस वन इज -4, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप मैंने इधर लिखा dy बाई dx, ये 15/2, ओके। अभी ये वाला जो पार्ट है ना उसको मैं पहले लिख रहा, 3x-5 प्लस वन इज 4, तो 3x-4, 3x-4 अपॉन, यहाँ पर क्या है, √3x-5 और यस, यहाँ पे √3x-5 3x-5 है, ठीक है। मतलब ऐसे फॉर्म में है, तो उसको अपन फिर से एक्स रेस टू पावर 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको आप 3x-5 होल रेस टू पावर 3/2 कर दो। इसको अपन ने स्प्लिट ही एलसीएम लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से किए थे, तो इसको आप वापस से ऐसा लिख दो। ऑल राइट, आई होप इट इज क्लियर। देखो फिर से, ये 15/2, 15/2, ये 3x-4 अपॉन, इसको अपन फिर से ऐसा लिख देंगे, तो 3x-5 होल रेस टू पावर 3/2, और ये वाला जो था वो एज इट इज, ओके। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, प्लीज ये वीडियो को आप फिर से देखो, तो आपको शायद समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड इट।